हैदराबादी कुलहब। आज मैं आपको बता रही हूँ फलाफेल की रेसिपी। ये एक अरेबिक स्नैक है, बहुत ही टेस्टी होता है। चिकपीस से बनता है ये। इसके लिए आप कैन चिकपीस मत यूज़ करें। मैंने यहाँ पर ये काबुली चनों को ले लिया था और इसे ओवरनाइट सोक किया पानी में। फिर नेक्स्ट डे आप इसे कुकर में 3 से 4 सीटी दे लें, अच्छे से गल जाएंगे। देखिए आसानी से टूट जा रहा है। इसके आप जब फलाफल बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अगर आप कैंड चिकपी ले रहे हैं तो आप उसे थोड़ा बॉईल कर लें नॉर्मल होने के बाद, फिर ठंडा होने के बाद इसे यूज़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने 2 फुल कप चिकपी लिए हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पार्सले, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा एक छोटा बाउल यानी 1 कप लिया है मैंने ये पार्सले का। आपके पास सिलान्ट्रो अगर अवेलेबल है तो आप वो भी हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हर्ब्स का इसमें। और मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर यानी कि कोथमीर। सब हम इसी में डालेंगे, फिर इसे सिर्फ हमें ब्लेंड करना है। मैं ऐड कर रही हूँ 1 ग्रीन चिली। ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखते हैं इसे, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डाल रही हूँ, वरना फलाफल का ओवरऑल फ्लेवर उठ के नहीं आता। ये 1/2 प्याज ली है मैंने। और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 3 लहसुन। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, बहुत थोड़ा सा। अब हम इसे ब्लेंडर में डालेंगे और बैचेस में मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। फिर इसके हम इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। चलिए इसे डालते हैं ब्लेंडर में। ये मिक्स कर दिया है हमने। एट ए टाइम पूरा नहीं जाएगा, इसलिए बैचेस में इसे करना है हमें। ये देखिए ये 1 बैच हो गया है। 2 बैच में हमारा फलाफल मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे इसी तरह। 2 बैचेस में हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमने इसे ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। थोड़ा सा ये रफ रहेगा तो स्मूथ टेक्सचर नहीं आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। और हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, क्योंकि हमने हरी मिर्ची सिर्फ 1 ही ऐड की थी। और इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट कम ही डालें, वरना अगर थोड़ा भी खारा हो जाएगा तो आप टेस्ट वो हो जाएगा। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ, आप चाहे तो चिकपी फ्लोर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसन ऐड कर रही हूँ ताकि ये बाइंडिंग के लिए अच्छा रहेगा, फलाफल टूटेंगे नहीं आपके। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके हमें 1/2 आवर से 1 आवर तक फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से ये डो सेट हो जाए। और हम इसके राउंड बॉल्स बनाकर इसे डीप फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है ये, बस आपको ब्लेंड करना है सब चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में, सही एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस में। चलिए अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी फॉर 1/2 आवर, और या आप 1 आवर के लिए रख सकते हैं ताकि ये सही टेक्सचर इसका आ जाए। फिर इसे हम राउंड बॉल्स बना के इसे डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए फलाफेल के हमने इसे राउंड बॉल्स बना लिए हैं, अच्छे से बन गए हैं ये। हमने बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा बेसन ऐड किया था, इसलिए बिल्कुल भी नहीं टूटे। थोड़ा सा हाथों को आप ऑयल लगाएं और ऐसे राउंड बॉल्स बना लें, छोटे छोटे मीडियम साइज। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है, ये ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें वरना ये जल जाएंगे। देखिए हल्का सा ब्राउन करना है हमें।
चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे क्रिस्पी फलाफेल रेडी हो गए हैं। इसे सर्व कर सकते हैं आप हमोस के साथ, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फलाफेल विथ हमोस अच्छे क्रिस्पी होते हैं, थोड़ा सा डार्क ब्राउन टेक्सचर है इसका। सर्व करिए इसे होममेड हमोस के साथ। देखते रहिए दरबारी पूरा।